हेलो जी, कैसे हो सारे? आई होप आप सारे मस्त होंगे। तो भाई यहाँ पर तुम्हारा भाई इस फोटो का टाइटल बताने वाला, कहीं डिमांडेड टाइटल है ये करी थी तुम्हारा भाई ने इंस्टाग्राम पर पिक अपलोड जब करी थी। अपलोड आप कहते हैं बहुत ज़्यादा डीएम भाई कमेंट्स में बोला था भाई इस फोटो का टाइटल लाओ भाई जल्दी से जल्दी, कैसे कलर करेक्शन करें भाई, बहुत अमेजिंग टोन लग रही है, बिल्कुल अमेजिंग, बिल्कुल रियलिस्टिक और नेचुरल हमारी फोटो थी, तो नेचुरली हमने टोन डाली थी। तो भाई बहुत पसंद आई आपको इस फोटो का टाइटल, तुम्हारा भाई फुल डिटेल में होने वाला। तो वीडियो कब तक लाइक नहीं करता लाइक कर देना, नए आए चैनल पर भाई लोग यार साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। वीडियो को हम शुरू कर देते हैं, लेट्स डू इट। ओके सो गाइज, यहाँ पर हमने लाइटरूम में फोटो ऐड कर लिए। तो ऐड होने के बाद गाइज आपको जाना है लाइटिंग कंडीशन में। तो लाइटिंग कंडीशन देख लो गाइज, हमारी फोटो गाइज तो कितनी अमेजिंग थी, नेचुरल इमेज थी। तो गाइज हमारे नेचुरल थे पीछे पेड़ पौधे, तो गाइज इसमें नेचुरल टोन ही बहुत अमेजिंग लगेगी। इसलिए तो गाइज तुम्हारा भाई नेचुरली टोन बता रहा है, बहुत अमेजिंग बताने वाला है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। सो गाइज आपको जाना है यहाँ पर, फर्स्ट पॉइंट है जो शैडो का, तो ये आपको बढ़ा देना है। तो शैडो को बढ़ाने के बाद गाइज का जो हाईलाइट का पॉइंट है इसे गाइज हम माइनस कर देंगे और वाइट बैलेंस को भी हम माइनस कर देंगे। फोटो हमारी गाइज बहुत फीकी फीकी से, इसमें कॉन्ट्रास्ट वगैरह नहीं है, तो वैसे हम कॉन्ट्रास्ट ऐड कर देंगे फोटो में। तो भाई यहाँ पर हमारी कॉन्ट्रास्ट होने के बाद फोटो डार्क हो चुकी है, बिल्कुल अमेजिंग। और कलर करेक्शन में जाना है आपको थर्मामीटर वाले ऑप्शन में। यहाँ पर कई तीन ऑप्शन मिल जाते हैं, चार ऑप्शन, सैचुरेशन, वाइब्रेशन, टिंट, टैम। तो भाई आपको वाइब्रेंस कर देना है फुल एकदम, तो भाई आपको फुल कर देना है, चाहे जितना भी आप चाहो उतना कर देना। तो भाई तुम्हारा भाई फुल कर रहा है बानवे पे, ओके। तो भाई यहाँ पर हमने सैचुरेशन फुल कर दिया, वाइब्रेंस इसका सैचुरेशन नहीं करा, हमने वाइब्रेंस करा, ओके। तो मिक्स टूल में जाना है आपको, मिक्स टूल में आने के बाद इसका ग्रीन कलर है इसको जो हमें यहाँ पर हम ग्रीन की ओर ले जाएंगे या येल्लो की ओर ले जाएंगे, तो इसकी सैचुरेशन है वो हम बढ़ा देंगे कहीं यहाँ पर ग्रीन की और येल्लो की भी। तो ग्रीन की भी हम सैचुरेशन बढ़ा देंगे और कहीं जो ग्रीन का पॉइंट है उसको हल्का सा अप कर देंगे, माइनस कर देंगे, और ग्रीन का ये है जो येल्लो वाला है इसे गाइस हम हल्का सा बढ़ा देंगे। तो भाई यहाँ पर हमारी टोन दिस, तो पीछे कितने हमारे कलर करेक्शन हो चुका है भाई, बिल्कुल नेचुरली इमेज बिफोर और ये आफ्टर बहुत अच्छे कलर आ चुके हैं। और ग्रास दिस तो कितनी गाइस अमेजिंग हो चुकी है हमारी, बिल्कुल कलर हो चुके हैं नेचुरल। और गाइस आईफोन जैसा फोटो है, बिल्कुल आईफोन का जैसा फिल्टर डलता है, बिल्कुल ऐसी टोन बताने वाले दोनों भाई, बिल्कुल अमेजिंग। ओके ग्रीन कलर में, ओके ग्रीन और येल्लो हमारा सही हो चुका है बिल्कुल। और ऑरेंज कलर में आना चाहिए गाइस, सैचुरेशन माइनस कर देनी है फेस पर हमारी, ज़्यादा सैचुरेशन है। और गाइस का लूमियंस हम बढ़ा देंगे हल्का सा, तो लूमियंस बढ़ाने के बाद हमारा जो फोटो का वाइब्रेंस है, जो फेस का कलर है, वो गाइस हमारा ब्राइट हो जाएगा। तो बिफोर और ये आफ्टर, तो सही लुक आ चुके हैं। अब गाइस यहाँ पर ब्लू कलर में जाएंगे गाइस, हमारा जींस का जो कलर है वो देखते हैं, जहाँ पर भी सही लगे वो आप देख लेना। तो हम डन क्लिक कर देंगे, डन क्लिक करने के बाद ये था हमारा बिफोर और ये था हमारा बिफोर और ये था हमारा आफ्टर। कलर करेक्शन करने के बाद भी गाइस बहुत अमेजिंग टोन आ चुके हैं, मैंने दो तीन पॉइंट ही अभी एक्सपोज करे हैं बिल्कुल। ओके तो भाई जो टैम्प है इसको हम हल्का सा बढ़ा देंगे, तो टैम को हम हल्का सा बढ़ाने के बाद हल्की सी टोन और आ जाएगी, बिल्कुल अमेजिंग आईफोन वाली फिल्टर की टोन, बिल्कुल बिफोर और ये आफ्टर, सही लुक आ चुकी है। तो गाइस हम जाएंगे नीचे इफेक्ट वाले ऑप्शन में, इफेक्ट में आने के बाद इसका क्लियरिटी हम बढ़ा देंगे और गाइस जो पिगमेंट है हल्का सा गाइस डाउन कर देना आपको, बिल्कुल डाउन करने के बाद। और गाइस स्लिप टोन को आपको ओपन करना है, स्लिप टोन ओपन करने के बाद जो उसका हाईलाइट का पॉइंट है गाइस इसका हल्का सा आपको येल्लो की ओर ले आना है, बिल्कुल येल्लो की ओर लेने के बाद हल्की सी येल्लो की ओर ले आना। और गाइस जो शैडो है इसे भी हम हल्का सा येल्लो की ओर ले जाएंगे। और गाइस नीचे मिल जाता है आपको वाइब्रेंस का ऑप्शन, बैलेंस का, ओके। तो बैलेंस देख लेना आप जहाँ पर आपको सही लग रहा हो, तो मेरे में ज़्यादा डल चुके, तो गाइस का हम बैलेंस माइनस करेंगे और जो हाईलाइट का पॉइंट है हल्का सा गाइस अप कर देंगे, थोड़ा ज़्यादा हो चुका है ये, ओके। तो दो या तीन के आसपास रखेंगे, चार रख दिया हमने। तो डन क्लिक करना आपको, डन क्लिक करने के बाद देख सकते हो गाइस कितनी अमेजिंग टोन आ चुके हैं बिफोर और ये आफ्टर, कितने अच्छे कलर आ चुके हैं बिल्कुल नेचुरल वाले, ओके। तो गाइस अब जाना है यहाँ पर लाइटिंग कंडीशन में दोबारा, लाइटिंग कंडीशन बनाने के बाद इसका कर्व टूल ओपन करते हैं। इसका कर्व टूल ओपन करने के बाद वाइट लेयर आपको सेलेक्ट करनी है, इसका जो वाला पॉइंट है नीचे वाला इसे हल्का सा अप कर देना है और बीच वाला पॉइंट हल्का सा डाउन कर देना और के कर देना है डन क्लिक, ओके। तो यहाँ पर गाइस हम डन क्लिक कर देंगे, डन क्लिक करने के बाद तो बिफोर और ये आफ्टर, ये बिफोर ये आफ्टर, तो हमारी लुक बहुत अमेजिंग आ चुका है। कलर करेक्शन देखते हो कितने अमेजिंग हो चुके हैं कलर गाइस, बिल्कुल अमेजिंग हो चुका है, बिल्कुल बिफोर और ये आफ्टर, बहुत अच्छी सैचुरेशन क्लियरिटी वगैरह सब कुछ आ चुकी है। अब गाइस में फेस स्मूथिंग करना वो करने के बाद गाइस हम दूसरे टूल्स में, ओके। तो इस फोटो कर देते हैं सेव, चलते हैं गाइस दूसरे स्टेप में। ओके गाइज यहाँ पर हमने स्नैपसीड एप्लीकेशन ओपन कर लिया, तो ओपन करने के बाद गाइज इसमें करने वाले हम फेस स्मूथ, बहुत अमेजिंग दोनों भाई बताने वाला है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा तो क्या करो भाई, फॉलो कर लेना, स्क्रीन पर जाने वालों को यस नहीं मिस 3-2 हज़ार के बोलोगे तो मेरे भाई को अर्जिंग सेटेड नए मेरे पसंद कौन सेट पर अपलोड करता रहता है, अच्छे लगे आप डीएम कर सकते हो, जिसका वीडियो चले तो वाला भाई जरूर लाएगा।
पेंसिल वाला अगर मैं आना है पेंसिल वाला अगर मैंने के बाद में फेसबुक बताने वाला, तो फेसबुक आपको कैसे करना है, तो भाई आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, स्क्रॉल डाउन करने के बाद गाइस यहाँ पर मिल जाता है आपको ये वाला लेंस ब्लर का ऑप्शन, तो लेंस ब्लर पर आपको टैप करना है। टैप करने के बाद इस लेयर को कर देना है बिल्कुल छोटी, तो छोटी करने के बाद इस लेयर को बिल्कुल साइड में रख देना है। आपको स्क्रीन पर टैप करना है, स्क्रीन पर टैप करने के बाद यहाँ पर तीन टूल ओपन होंगे, तो तीन तीन ओपन होने के बाद विग्नेंट वाला माइनस कर देना है बिल्कुल, और जो ट्रांस पेंट है ये वाला भी माइनस कर देना है, और जो ब्लर सेक्शन है वो गाइस आपको करना है यहाँ पर, आपको 10 या 15 के आसपास, 20 तक रख सकते हो गाइस, तो हम यहाँ पर रखते हैं 16-15 रख दिया हमने मैक्सिमम। तो राइट क्लिक करना है आपको, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको वेट करना होगा, वेट करने के बाद गाइस यहाँ पर आपका फोटो हो जाएगा ब्लर, तो गाइस हमें करना है फेस स्मूथ, यहाँ पर हमारा फोटो ब्लर हो चुका है, तो गाइस फेस स्मूथ वहाँ पर बताता है, दिक्कत मत लो। ओके तो यहाँ पर आपको इस वाले टूल्स में आना है गाइस, यहाँ पर मिल जाता है गाइस आपको आई बटन के बराबर मिल जाता है आपको बैक वाला ऑप्शन, तो गाइस आपको फिर करना है यहाँ पर व्यू एडिट पर क्लिक, तो व्यू एडिट पर हम क्लिक करेंगे, लेंस ब्लर पर आपको क्लिक करना है फिर से, यहाँ पर गाइस आपको लेंस ब्लर का ऑप्शन मिल जाता है नीचे, और गाइस यहाँ पर आपको मिल जाता है यहाँ पर ब्रश का ऑप्शन, तो ब्रश पर आपको टैप करना है, टैप करने के बाद आपकी फोटो जो ब्लर थी वो गाइस गायब हो जाएगी। अब गाइस यहाँ पर हम करने वाले हैं फेस स्मूथिंग, तो फेस स्मूथिंग तुम्हारा भाई बता दे कैसे करना है, तो गाइस आपको मिल जाता है यहाँ पर दो टूल, एक ऊपर और एक नीचे वाला। ओके तो ये दो टूल मिल जाते हैं आपको, तो ये दो टूल बता दे तुम्हारा भाई कैसे करना है। ओके एक टूल गाइस आपको यहाँ पर आइस का भी मिल जाता है साइड में, कॉलर में आइस का भी मिल जाता है, इस पर आपको ऑन करना है या क्लिक करना है आपको बता देता हूँ भाई कैसे करना है। तो गाइस आपको यहाँ पर दो ब्रश मिल जाते हैं, एक ऊपर एक नीचे, तो गाइस आपको नीचे वाला ऑप्शन यहाँ पर 75 मिल जाएगा, तो यहाँ पर आपको काउंटिंग भी होता है। ओके तो यहाँ पर काउंटिंग देख लेना गाइस, यहाँ पर आपको 75 ऑप्शन आ जाए, तो 75 ऑप्शन करने के बाद गाइस आपको फोटो को जूम करना है, जूम करने के बाद गाइस यहाँ पर आपको फोटो स्मूथ करना है, फेस स्मूथ करना है, वहाँ पर आपको ब्रश चला देना कुछ टाइप से, तो आप ब्रश चलाओगे तो गाइस आपका फेस स्मूथ बहुत अमेजिंग हो जाएगा। बस आपको गाइस ब्रश चलाना है फेस पर जहाँ आपको फेस स्मूथ करना है, तो गाइस आपको दिखने लगेगा हमारा ब्रश कहाँ चल रहा है, तो गाइस आपको यहाँ पर साइड में आइस का ऑप्शन मिल जाता है, इसे गाइस आइस को बंद कर दोगे तो गाइस आपको पता लग जाएगी आपको ब्रश कहाँ कहाँ चल रहा है, आपको जो रेड रेड लाइन है ना गाइस ये वाली गाइस आपको जो रेड रेड लाइन है ये आपको दिख जाएगी, जहाँ पर आपकी चल रही है वहाँ पर आपको फेस स्मूथ हो जाएगा। तो गाइस आपको पहले रेड रेड लाइन आपकी फेस पर आपको कवर कर लेनी है, इस टाइप से आपको चला देना है बिल्कुल 75 के आसपास, आप 50 पर भी चला सकते हो, आपको नॉर्मल फेस स्मूथ करना है तो इस टाइप से आपको फेस पर अच्छे तरीके से चला देना। तो भाई इसको हम बंद करके देखते हैं, फिर देखते हैं इस हमारा फेस स्मूथ कितना अच्छा हुआ है, तो भाई इसे हम क्लोज कर देंगे। तो गाइस यहाँ पर आपको मिल जाता है बिफोर आफ्टर, ये वाला ये बिफोर और ये आफ्टर, ये बिफोर ये आफ्टर, कितना अच्छा फेस स्मूथ हो चुका है, और पिंपल वगैरह भी गाइस हमारे इसमें रिमूव हो चुका है बिफोर और ये आफ्टर। ऐसी गाइस आपको पूरे फेस पर आपको कवर कर देना है, तो इस टाइप से आप कवर करोगे, इस टाइप से आप कवर करोगे तो गाइस आपका फेस स्मूथ बहुत अमेजिंग हो जाएगा, तब तो हमारा भाई जल्दी फेस पर रफ कर लेता है। ओके तो गाइस आपको पता लग गया किस टाइप से आपको ब्रश चलाना है, जहाँ आपको फेस स्मूथ करना है वहाँ आप चला लें, तो गाइस तुम्हारा भाई कर लेता है जल्दी, आप भी कर लेना। सो गाइस यहाँ पर हमने फेस पर कवर कर लिया बिल्कुल अपना फेस स्मूथ, तो गाइस देख सकते हो पूरा फेस हमारा बिफोर और ये आफ्टर, बिफोर और ये आफ्टर बहुत अच्छी लुक आ चुकी है। राइट क्लिक कर देना आपको, राइट क्लिक करने के बाद आपकी फोटो का जो ब्लर थी वो आपको फेस स्मूथ हो जाएगी, और बैक कर देना है आपको, बैक करने के बाद देख सकते हो गाइस इसका बिफोर आफ्टर, ये बिफोर और ये आफ्टर बहुत अच्छा फेस स्मूथ भी हो चुका है। और गाइस क्लियरिटी हम फोटो में बढ़ाते हैं, और गाइस फोटो को थोड़ा जूम करते हैं, आपको जाना है पेंसिल वाले आइकन में, ऊपर मिल जाता है गाइस आपको डिटेल का ऑप्शन दूसरे नंबर पर, ये वाला डिटेल। ओके तो डिटेल पर हम टैप कर देंगे, टैप करने के बाद गाइस इसका स्ट्रक्चर है वो हम गाइस हल्का सा बढ़ा देंगे, और स्किन पर टैप करोगे आपको शार्पनिंग का ऑप्शन मिल जाता है, तो गाइस शार्प आपको फोटो बनाने हैं जितनी आप बनाना चाहो फोटो, जिस तो गाइस की शार्पनिंग कितनी अच्छी लग रही है, तो गाइस हम यहाँ पर रख देंगे 30-35 के आसपास, बहुत अच्छी लुक आ चुकी है। ओके आप गए जाएंगे गाइस पेंसिल वाले आइकन में, यहाँ पर आपको मिल जाता है गाइस टोन इमेज, तो टोन इमेज पर हम टैप करेंगे, टैप करने के बाद गाइस का जो ये था ना गाइस यहाँ पर आपको मिल जाता है सैचुरेशन का ऑप्शन, तो सैचुरेशन हल्की सी बढ़ा देंगे, राइट क्लिक कर देंगे, राइट क्लिक करने के बाद और के, तो यहाँ पर हमारा एडिटिंग का स्टेप खत्म हो जाता है। एंड और कुछ भी इस वीडियो में नया सीखने को मिला हो तो भाई लाइक करें इस वीडियो को, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें, वीडियो को जरूर शेयर करना मेरे फ्रेंडों के साथ। तुम्हारा भाई मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, एडिटिंग करते रहो, लव यू ऑल।